नशे की लत इंसान पर इस कदर हावी हो सकती है कि वो किसी की हत्या करने से भी गुरेज नहीं करता। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है, जहां बुराड़ी थाना क्षेत्र के संत नगर इलाके में लगे इन सीसीटीवी कैमरों में सरेआम पीट पीट कर हत्या की ये वारदात कैद हुई है। इलाके में रहने वाले नशे के आदि कमल नाम के इस शख्स ने स्मैक के लिए पैसे न देने पर अपने ही एरिया में रहने वाले जितेंद्र की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान कोई भी जितेंद्र को बचा नहीं पाया। था ये क्यों झगड़ा हुआ, आपको क्या मालूम पड़ा? ये जो आदमी है कमल नाम का आदमी, उस दिल्ली का गली नंबर 14 में रहता है। इसका पेशा यही है, स्मैक पीता है। ये लोगों से आने जाने वाले रस्ते के अंदर ये पैसे छीनता है, जबरदस्ती पैसे लाओ हमारे को पैसे दो। एक आदमी से एक घंटा पहले इसने पैसे छीने तो 7.5 या 8.5 का टाइम था। उसके बाद ये जितेंद्र उर्फ हन्नी ये अपने मालिक के घर पे जो होकर के उस गली से गुजर रहा था, वो इससे भी उसने पैसे मांगे और उससे कहा था ये पैसे दे, नहीं देगा तो मैं तुझे मारूंगा। इतनी देर में डंडा उठा करके इसके सर पर उसी 2-3 का वार मरे, ये वहीं पे आया था क्या। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि बीती रात काम से घर लौट रहे जितेंद्र को कमल पहले रास्ते में रोकता है और फिर पैसे देने से इनकार करने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस दौरान नशे का आदि कमल अपना आपा खो बैठता है और जितेंद्र पर डंडों से कई वार कर देता है। घायल जितेंद्र बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनंद फन में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मालूम यह है कि मैं बाहर से आया तो मैंने देखा एक आदमी पड़ा हुआ है यहाँ पे, सर में डंडा लगा हुआ था, काफी क्रिटिकल कंडीशन थी तो काफी भीड़ लगी हुई थी। मैंने फिर 100 नंबर पर फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, वो तत्काल नहीं आ पाई तो मैंने पर्सनल गाड़ी बुक करवाई और चला गया ऑन द स्पॉट। जहाँ गया वो ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ डेड हो गई। डंडों से मारे गए सर? डंडों से लगा था। वारदात को करीब रात 8 बजे सरेआम सड़क पर अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी दिल्ली में खत्म होती इंसानियत की तस्वीर देखने को मिली है। फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि झगड़े के वक्त कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी रुककर जितेंद्र को बचाने की कोशिश तक नहीं की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन चलती फिरती व्यस्त सड़क पर इस तरीके से हुई वारदात ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।